तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि यार, आपने जैसे कि वीडियो के थंबनेल में ही देख लिया है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि यार आप अपने स्मार्टफोन से बूटेबल पेन ड्राइव किस प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, यदि आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है, ठीक है, और आपको कभी इमरजेंसी में मतलब आपको तुरंत बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए, ठीक है, आपको विंडो बूट करनी है, आपकी विंडो क्रैप्ट हो जाती है, ठीक है, या मतलब अचानक आपकी विंडो क्रैप्ट हो जाती है, ठीक है, और आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है। यदि मार्केट में जाओगे तो कुछ उसका 500 या 1000 रुपये आपका विंडो इंस्टॉलेशन में लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यदि आपने कुछ नई एसएसडी परचेस की है या फिर कुछ न्यू मतलब अपडेट कराया अपने सिस्टम को, ठीक है, और आपकी जो आपको विंडो इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, तो आपको और आपके पास कोई अनदर पीसी या लैपटॉप नहीं है, तो किस प्रकार से आप अपने मोबाइल से ही विंडो को बूट कर पाओगे, ठीक है, पोर्टेबल पेन ड्राइव बना सकते हो। ठीक है, पहले तो बताऊँ यार, मेरा लैपटॉप में कुछ एरर आ गया था, ठीक है। यदि कुछ इस प्रकार का एरर है तो आप भी फिर पोर्टेबल पेन ड्राइव बना के और वहाँ से क्या कर सकते हो, यदि डाटा रिकवर करना है आपको, ठीक है, तो पोर्टेबल पेन ड्राइव की हेल्प से आप डाटा भी रिकवर कर सकते हो, ठीक है। यदि कोई एरर आ गया है, ठीक है, आपको रिपेयर करनी है आपकी विंडो, ठीक है, विंडो करप्ट हो गई तो रिपेयर करनी है, उसके लिए भी आपको बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेरा एक एरर आ गया था, नो बूटेबल डिवाइस फाउंड, ठीक है। इस प्रकार से यदि एरर आ रहे हैं तो आपको बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए होगा अपना मतलब विंडोज़ को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो यार इसी के रिगार्डिंग हम देखेंगे किस प्रकार से अपनी जो बूटेबल पेन ड्राइव है, ठीक है, उसको हम स्मार्टफोन से बनाएंगे, ठीक है। तो यार उसके लिए सिंपली पहले तो आपको करना क्या है गाइस, आपको जैसे कि हम आ गए अपने स्मार्टफोन पे, ठीक है गाइस, तो चलते हैं फिर। सबसे पहले जो है आपको, ठीक है, ये प्ले स्टोर पर यदि आप सर्च करोगे तो वहाँ पर ये नहीं मिलेगा, ठीक है, वो वर्क नहीं करेगा, तो उसको इंस्टॉल मत करना, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ यार, ये वैंटॉय जो है, ठीक है, एक डिफरेंट एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हम किसी दूसरे वैंटॉय एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं जिससे हम बूट करेंगे विंडो को, ठीक है, तो ये वो नहीं है, ठीक है। तो यार चलो बैक करते हैं फिर इसके बाद, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली जाना है अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर या गूगल पर, वहाँ पर आपको सर्च करना है वैंटॉय, ठीक है, वैंटॉय ऐप डाउनलोड, ठीक है, वैंटॉय ऐप, यहाँ से आपको, ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको नहीं करना, अनऑफिशियल, ठीक है, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है, वैंटॉय अनऑफिशियल ऐप, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है यही आपको इंस्टॉल करना है, जिसके यही इसी के हेल्प से हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे गाइस, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, और आपको नेक्स्ट करना है और डाउनलोड एनीवे, ठीक है, हो जाएगा। तो देख सकते हो जैसे कि यार हमारा ये वैंटॉय एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो गया है कम्प्लीटली, ठीक है। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ से क्लिक करके, और जैसे कि यार हम यहाँ से अब इंस्टॉल कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो इंस्टॉलेशन इसकी हो गई है, ठीक है, देख सकते हैं यार ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो यार ये थोड़ा ऐड आ गया, इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, और याद रहे आपका डाटा कनेक्शन ऑन हो, ठीक है, विदाउट डाटा कनेक्शन ये फिर मतलब नहीं चलेगा, ठीक है, बूट नहीं कर पाएगा ये ऑनलाइन बेस है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिंपली पहले क्या करना है, ये कुछ इसका इंटरफेस है, देख सकते हो, ठीक है गाइस। यार यहाँ से आपको सिंपली आपको फिर से गूगल गूगल पे जाना है, ठीक है, वहाँ से आपको क्या करना है, गूगल पे जाने के बाद आपको फिर से मतलब पहले तो आपने वैंटॉय एप्लीकेशन जो था वो उसको डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। सेकेंडली आपको यार आपको विंडोज़ मतलब यदि विंडोज़ 10 बूट करना है, विंडोज़ 8 बूट करना है, ठीक है, तो किस कौन सी विंडो आपको बूट करनी है, विंडोज़ 11 बूट करना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको वो क्या हो बोलते हैं ISO फाइल उसको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो आपको गूगल पे जाना है, ठीक है, या फिर क्रोम ब्राउज़र पर, ठीक है, और वहाँ पर सर्च करना है, ठीक है, जैसे विंडो 10 हम कर देंगे, विंडो जो 7 है उसको कर दें, या विंडो 11, ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे विंडो 11 का, ठीक है, ISO फाइल, और ISO फाइल इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और ठीक है, जैसे कि यार हम आ गए अपने यहाँ से डाउनलोड, ठीक है, डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना, ठीक है, 3 डॉट्स है, ठीक है, और वहाँ से आपको करना है ISO फाइल इसकी डाउनलोड कर लिए, ठीक है। तो यार जैसे कि यहाँ से आप ISO फाइल उसकी डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको करना है, आप विंडोज़ 10 की भी कर सकते हो, ठीक है, यदि विंडोज़ 11 आपके सिस्टम में सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, तो आप विंडोज़ 10 की कर सकते हो, ठीक है, फाइल है, ठीक है, 4-5 GB की फाइल, ठीक है, उसको आपको डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, कुछ 4-5 GB या 5-6 GB की फाइल होगी आपकी, ठीक है, उसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, वैंटॉय एप्लीकेशन ओपन करना है, ठीक है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है डाउनलोडिंग में, ठीक है।
हाँ तो गाइस जैसे कि अब आपको करना है वेंटो एप्लीकेशन ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको चाहिए होगा गाइस OTG, ठीक है। तो OTG मतलब जिस आपको पेन ड्राइव लगाने के लिए OTG चाहिए होगा, ठीक है। तो OTG यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास ये OTG है, ठीक है। तो इसको हम लगाएंगे, ठीक है। और हाँ, सेटिंग में जाकर OTG भी जो सेटिंग है OTG का उसको ओपन कर लेना, ठीक है, उसको ऑन कर लेना। और उसके बाद आपको ये जैसे मेरे पेन ड्राइव है सैंडिस्क के 8 GB, मैं इसको लगाता हूँ, ठीक है। और लगाने के बाद देख सकते हो कि यहाँ पर शो भी होना चाहिए एप्लीकेशन में। यदि आपका एप्लीकेशन में शो नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये अभी कनेक्टेड नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अलाउ मांग रहा है, ठीक है। तो अलाउ कर देना आपको पेन ड्राइव को, ठीक है। और अलाउ करने के बाद आपको क्या करना है, जो ऐड वगैरह है उसको कैंसिल कर देना, ठीक है। और MBR से आपको GTB में करना है, ठीक है। देख सकते हो सिक्योर बूट ऑप्शन ऑन कर लेना, और MBR से GPT में। और इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या होगा कि आपकी डिस्क जो है वो फॉर्मेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, कि द डिस्क विल बी फॉर्मेटेड एंड ऑल डाटा विल बी लॉस्ट, कंटिन्यू। और कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। इंस्टॉल ये हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टॉल मतलब ये इंस्टॉल के लिए चेक कर रहा है कि यह इंस्टॉल हो जाएगा क्या, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से आपको जाना है कॉपी के बटन पर, ठीक है। तो ऐड आ गया, इसको कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही आप कॉपी के बटन पर क्लिक करोगे, जो कॉपी का एक वो है, ठीक है, कॉपी का निशान है, ठीक है, डाउनलोड के साइड वाला, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ प्लस का आइकन आएगा। उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, वहाँ से आपको करना है अपना जो भी आपका क्या है ISO फाइल है, ठीक है, जो भी आपने विंडोज़ की ISO फाइल डाउनलोड की है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यार मैंने यहाँ पर डाउनलोड में है, ठीक है, और मैंने इसको डाउनलोड में था तो वहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ से जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया गाइस, वैसे ये कॉपी होने स्टार्ट हो गई है, ठीक है। देख सकते हो ये 100% तक आपको इसको वेट करना है, ठीक है। जो थोड़ा ये आपका मतलब प्रोसेसर, आपके मोबाइल के प्रोसेसर या आपका मोबाइल की जो परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड होगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको आपको पूरा होने देना है, ठीक है। जैसे कि यार गाइस ये 100% हो गया है, ठीक है, कंप्लीट। और 100% कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपने अपने लैपटॉप पे आ जाना है, ठीक है। और वहाँ पर आपको यहाँ से अब इसको लैपटॉप में क्या करना है, इंसर्ट करना है अपनी पेन ड्राइव, ठीक है, साइड से लगा देते हैं, ठीक है। और लगाने के बाद आपको क्या करना है, अपना लैपटॉप जो है या PC जो है उसको स्टार्ट करना है। और वहाँ पर आपको अपना जो भी आपकी बूटेबल एक मतलब बूट के लिए जो ऑप्शन होता है, ठीक है, मतलब की होती है, उसको आपको प्रेस करना है। यदि आपकी जैसे कि मेरे लैपटॉप की डेल लैपटॉप में F12 होता है, ठीक है, आपको F12 दबाना है। यदि किसी और लैपटॉप है तो F9 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको गूगल में जाकर आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली वो की प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन हो गया है, ठीक है, लेगेसी बूट आ रहा है और UEFI, ठीक है, मतलब दो बूट सेटिंग है, ठीक है। तो हम लेगेसी बूट में इसको पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आ रहा है USB स्टोरेज वाला, USB स्टोरेज पर हम क्लिक करके थोड़ा सा और वेट होगा, ठीक है, दिखाएगा। और देख सकते हो गाइस ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, ठीक है। लोडिंग लेने के बाद आपको एंटर एंटर प्रेस करते रहना है जब तक ये मतलब कुछ शो ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो फाइनली हमको शो हो गया वेंटोय का एक इंटरफेस, ठीक है। तो इट मीन्स ये वेंटोय से जो एप्लीकेशन था उसका इंटरफेस आ गया है, ठीक है, कि वेंटोय के द्वारा ये वो किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें यार अब यदि आपकी और भी विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, जितनी भी विंडोज़ है वो आपकी शो हो जाएंगी। आप क्लिक करोगे एंटर के प्लेस प्रेस करोगे और जैसे कि यार विंडोज़ का हमारा इंटरफेस आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यार यहाँ से आप अपना विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और इस प्रकार से आप इसका प्रोसेस फॉलो करना और आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है।
सो आई होप दोस्तों यार ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, ठीक है, आपको बेनिफिशियल लगी होगी। तो यदि इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप ऐसी वीडियो और चाहते हो, ठीक है, तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना। और यदि आपको कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, बीच में प्रोसेस वगैरह समझ नहीं आया, ठीक है, या कहीं आपको प्रॉब्लम आई है इंस्टॉल करते हुए, ठीक है, या किसी प्रोसेस में, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।